नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा, मोजो रपट के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में। यहाँ पे चमकी बुखार से करीब मुजफ्फरपुर के सारे अस्पतालों को मिलाकर करीब 130 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार और नीतीश कुमार, कल यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ का दौरा किया, यहाँ का जायज़ा लिया। तो इसके बाद SKMCH अस्पताल की क्या स्थिति बदली है, क्या कुछ परिवर्तन आया है, इसको देखने के लिए हम यहाँ जब मौजूद थे, हमने जब बहुत जगह पे घूमा, हालांकि बहुत चीज़ें मतलब हम शुरुआती दौर में तो देख पाए, लेकिन वहाँ से लाइव आने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि जो वार्ड थे, ICU था या फिर जो जनरल वार्ड था, उसमें पत्रकारों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहाँ पे मीडिया वाले जा रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने ये कदम उठाया। तो यहाँ पे हम सिलसिलेवार ढंग से हम आपको समझा देते हैं कि जब हम यहाँ पे जनरल वार्ड में गए तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, जितने भी, तो एक एक बेड पे हमने देखा कि तीन चार बच्चे तक वहाँ पे थे। पंखा चल रहा था, नहीं भी चल रहा था, बिजली थी, नहीं भी थी, डॉक्टर कभी कभार आके देख रहे थे, ना उन्हें ग्लूकोज ORS ये सब चीज़ भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ की एक कमी वहाँ पे साफ देखने को मिली। फर्श पर भी अब मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे है बिहार में, मुजफ्फरपुर में, तो इसको देख के और जिस तरह से सारे मंत्रियों ने आकर जब यहाँ जायज़ा लिया, तो उनके तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए थी कि जिस चीज़ की भी यहाँ पे किल्लत है उसे पूरा करना चाहिए था। बावजूद इसके जब हमने देखा कि जनरल वार्ड में फर्श पे बहुत सारे बच्चे लेटे हुए थे, जो आ रहे थे उनको इधर उधर कहीं शिफ्ट कराया जा रहा था, और नहीं तो उन्हें फर्श पे लेटा दिया जा रहा था। ICU की भी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी ही है। तो अभी यहाँ पे, हाँ, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आकर पता चली कि इतना बड़ा अस्पताल, SKMCH अस्पताल, सबसे बड़ा सदर अस्पताल यहाँ का, ये मुजफ्फरपुर का, लेकिन यहाँ पे पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ये आपको कई बार हैरान करेगी ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ सही है। आप जब यहाँ अस्पताल में आएंगे तो यहाँ पे आपको पीछे देखने को मिलेगा कि एक सुधा लक्ष्मी मिल्क पार्लर, आपको यहाँ से पानी खरीदनी पड़ेगी। तो जो भी यहाँ पे जो मरीज हैं उन्हें यहाँ से 20 रुपये में एक बोतल खरीदना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जा रही है कि पत्रकारों का जो संगठन है, जो आपस में इकट्ठे करके पैसा जमा कर रहे हैं, उसके बाद फिर अन्य जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी NGOs वगैरह हैं, वो यहाँ पे छात्र संगठन है, और इस तरह से कई तरह से लोग अपनी तरफ से कोशिश करके यहाँ पे बॉटल बंटवा रहे हैं, यहाँ पे अन्य तरह की चीज़ें, अन्य तरह की सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जो अस्पताल, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। और अगर लिया जाता तो इतनी बड़ी ये कोई आपदा भी नहीं थी जिससे पार नहीं पाया जा सकता था। बहुत चीज़ें व्यवस्था कराई जा सकती थी, डॉक्टर को बाहर से बुलाया जा सकता था, किसी और वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगा के सब कुछ ठीक ठाक किया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो यहाँ की स्थिति है उसको देख के आप समझेंगे कि इतनी लापरवाह सरकार कैसे हो सकती है, इतना ज़्यादा लापरवाह यहाँ का प्रशासन कैसे हो सकता है। तो और भी जो भी अपडेट्स देंगे हम आपको, ये चीज़ लाइव दिखा सकते थे वहीं से, लेकिन हम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम अस्पताल का जो प्रशासन है, वो चैनल के जो TRP हैं उसको न देखते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने ये कोशिश की कि मरीज वहाँ पे अच्छे से रहें और जितना जल्दी से जल्दी रिकवरी करें, डॉक्टरों को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने तमाम तरह के, जो भी डॉक्टरों की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। तो और भी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।